राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और टाइम देख रहे हैं आप, 3 बजने वाले हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली ज़रा सी भी, और मैं जो है यहाँ ही ब्लोअर लगा के बैठी हूँ। मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है और सुबह 1/2 घंटा हो गया होगा, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ तब से। तो कुकू ने ना क्या लिया था? कुकू वो पानी में डालने वाली बॉल ना आती है ना, वो मैं पानी में जो दिखाती हूँ डालते, आपको। दिखाएगी ये पानी में जो डालते हैं ना, वो जो स्पंज जैसी होती है, फिर वो बड़ी हो जाती है, वो यहीं पे आया था, वो ले गई। तो ये मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मी इसे किस में डालूँ किस में डालूँ। तो एक है ना वहाँ पे बोतल रखी थी, दिखा। ये वाली है, मुझे बोले आते ना इनको हम पानी में डालने वाले हैं। चलो मैं डाल। मैं जब इसके जैसी थी ना, मैं भी एग्जीबिशन जाती थी तो इनको ज़रूर लेके आती थी। अरे लाइट पड़ रही है इधर फेस पे। अरे चलो तो हाथ मम्मा डालेंगी इनको। तो हम यही डालते हैं अभी, है ना? तनु आ गया, तनु पकड़ना, पकड़ पकड़। इसमें थोड़ा सा पानी हाँ है ना? हट रही है ये पीछे इधर से। आया क्या हट रही दे। है? दिखाओ मैं दिखाऊं। अरे नहीं फट रही। अरे मैं झूठ नहीं बोली, मैंने फाड़ी है अभी। तो मैं निकाल ली ना, निकाल ली तो है। देखा है ने तो हद मचा दी है सच्ची में, इतनी सारी ठंड है। मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। और मैं जा रही बल्ब लेके, जी मंदिर में बल्ब लगा रहे हैं वहाँ पे भोले बाबा के मंदिर में, तो मैं अभी आपसे वहीं पर मिलती हूँ। ठीक है अंदर आओ। पापा चप्पल पहन के चलो, मुझको राणा जी माफ कर दे। और फिर अर्थ भी तो ले ले ऐसी चीजें से टाइम पे। ला तो ला अंदर के देखो छे फिर भैया के। नहीं पर लगाओ डायरेक्ट। हाँ वादन बीबी है तो करंट मारो वो बटन दबाने में। सही है तुम चप्पल पहन के खड़े हो। लगा तू, लगा दो यहीं पर। लगा नहीं फिर मुंह पे मारे नग जाए ना, चोटी सी जो है ना, जो चोटी सी जाके ऊपर बिल्कुल। हाँ यहाँ पे तो यहाँ लगा दो फिर ना। अरे तो नहीं लगा दो तो भाई। आप लोग ये मत सोचना कि चप्पल पहन के मंदिर में घुसे हुए हैं, मजबूरी में घुसे हैं। तनु तुम बाहर चलो, गंदी बात है। देखो बच्चे के लग गई है। तनु मेरे भैया के चोट लगी है, देखो बस 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 हो गई जे। जुगाड़ करो बाबा जी, तो टेबल होल्डर खराब है तू यार। ऐसा एक मतलब व्यवस्था करनी चाहिए, पर कौन खराब है, हम लोग ही करते रहे हैं। बस दो घर बस, और कोई तो आवे ना भोले बाबा के लिए। कोई ना पथवारी पे तो वो लगा गए सिस्टम विस्टम गए, वो बजाओ जो करो फला ना करो। ये देखो इधर है केले का पेड़। गुरुवार को सब पूजा करने आते हैं ना, ये ताई जी ने पता नहीं कितनी बार लगाया, कम से कम 4-5 बार लगाया, तब ये एक जाके हुआ और फिर एक में से ही सारे निकल पड़े यहाँ से यहाँ तक। अब तो 5 हो गए, एक छोड़। हाँ स्विच बंद है तनु, नहीं गंदी बात। ये आ गई निशा देवी। चप्पल कर लेती
ऊपर ना, मैं तब भी उतार के आई हूँ। चाचा को देखो, देखो चाचा। ओ, अम्मा देखो तुम्हारे मंदिर में चाचा चप्पल पहन के घुस गए। मजबूरी में घुसे हैं, लाइट आ गई फिर अर्थ ले लेवा दिन, करंट ना लग गो तुम्हें। ये देखो अभी 4:30 हुए और कितना सारा कोहरा आ गया अभी से, शाम के 4:30 हो रहे हैं, है ना। रात तक पता नहीं क्या होगा। और यहाँ कोहरा आ रहा था ना, तो मेरे जो एक दो बाहर कपड़े पड़े थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कमरे में ही डाल जाऊँ, क्योंकि सूखने से तो रहे, एक तो वैसे ही धूप नहीं निकल रही। तो मैं वहाँ से मंदिर से लौटने के बाद मैंने ये सारे कपड़े डाल दिए। और तनु के कपड़े डेली ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे तो नहाते नहीं है। मैं ये देख रही थी, मैंने कहा कैमरा ऑन है या मैं भूल गई। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि तनु है ना, कभी कभी बाथरूम कर लेता है, तो उसकी पैंट जो है ना डेली वॉश करनी पड़ती है, और ऊपर जो जैसे जैकेट या स्वेटर पहनता है वो धोना पड़ता है। उन्हीं जी कुछ सब्जियां लेकर आए थे इस दोपहर को, तो तब से ऐसी ही रखी थी। मटर है, बैंगन, आलू है और धनिया है, यही चीज़ लेकर आए थे। पर बैंगन मम्मी बोल रही कि खामे खा लेकर आया, मेरे पेट में गैस बनाता है। तो मैं ना, और बथुआ लेकर आए थे। हालांकि बथुआ खेतों में होता है पर है ना, हमारे खेतों में नहीं है, आसपास के खेतों में भी कम है क्योंकि दवा लग रही है अब इस टाइम, तो है नहीं, तो बाज़ार से ही लेकर आए। तो मैं थोड़े से आलू वाल लूँगी और बथुआ भी रख दूँगी। आलू का कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, पराठे आजकल बहुत चल रहे हैं, और अगर मन किया तो बथुए की बना लूँगी, उन्हें बॉयल करके रख दूँगी। तो मैं साथ ही आलू बॉयल कर लूँ। और ये है बथुआ, देखो वैसे तो साफ़ था, मुझे ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ा। और टमाटर आजकल कितने सस्ते हो गए, और कभी कभी तो ऐसा सीज़न आता है कि 80-90 रुपए किलो टमाटर, और आलू भी काफ़ी महंगे थे। और आज मैं बना रही हूँ मक्के की कचौड़ियाँ, आपने शायद खाई हूँ या ना खाई हूँ, किस किसने खाई है ज़रा बताना। तो ये है मक्के का आटा, जैसे मक्के का आटा गूंथते हैं, उसमें मैंने आलू बॉईल करके मैश कर लिए और 2 टमाटर का पेस्ट डाला है इसमें, और जैसे नॉर्मल मसाले जो आप डालते हो वो सब डाल दिए मैंने। अगर डालना चाहें टेस्ट के अनुसार है, आप क्या क्या खाते हो जब स्टफिंग करते हो किसी भी चीज़ की। तो जैसे आलू का भरता तैयार करते हैं, तो जैसे आलू का भरता तैयार करते हैं, मैंने पहले वो ही बनाया और फिर उसमें आटे में डाल दिया और 2 टमाटर डाल दिए, पेस्ट बना के डाले थे, यानी चॉपर मंगाए ना उसमें चॉप कर लिए थे, 2 काफ़ी बारीक हो गए थे तो वो उसमें डाल दिया। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जिस जिसने भी खाई ना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किसने ये कचौड़ियाँ खाई हैं। मुनी जी को तो बहुत पसंद है, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल एब्जॉर्ब करती हैं, तो काफ़ी ऑयली हो जाती हैं। हालांकि इनमें ऑयल दिखाई नहीं देता, कहते हैं ना मक्के की रोटी बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा घी पीती हैं, तो वही वाला है। तो कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा ये ऑयल लेती हैं। और ये हमारे दोनों रंगा बिल्ले ये पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, और तनु को तो इतनी गंदी आदत है फ़ोन चलाने की कि है ना, इसे पूरा दिन आप फ़ोन देके बिठा दो ना तो पूरा दिन बैठा रहेगा, ना दूध पिएगा, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कुछ नहीं लगेगी। और अभी इसकी चोट ठीक है, आप लोग कल काफ़ी परेशान रहे थे इसकी चोट की वजह से, तो इसकी दवा चल रही, इसके बैक साइड में लगी थी और बहुत ब्लड निकला था। आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा ना, अंधेरा इसलिए क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है लाइट की सप्लाई नहीं कर रहा। तो हमें वो हमारे गांव में से ही है, वो इन्वर्टर और बैटरी दोनों खुद ही घर पे बनाते हैं, वो ही ठीक करते हैं, उन्हीं से लगवाया हमने। तो वो बोल रहे थे कि मैं कल देखूँगा, अभी तो दुकान पर हूँ, तो हमें तो आज की रात ऐसी काटनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग की एंडिंग कर दूँ, क्योंकि ये ना मैं हम लोग है ना मोबाइल की टॉर्च से काम कर रहे हैं, ले लेके टॉर्च को तब जाके कुछ कर पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगी है कि नहीं। और ये अभी हुआ था, ऐसे 4:30 या 5 के आसपास ऐसे हुआ था। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं ये भी विश करती हूँ कि मेरा कल तक इन्वर्टर ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे अब बिना लाइट के अच्छा नहीं लगता, तो मैं आगे ब्लॉग बना पाऊँ, नहीं तो फिर गैप लग जाएगा। बिना लाइट के हमारे घर में तो कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि टट्टर भी ढक जाता है और वैसे भी घर में अंधेरा सा ही रहता है।
तो बस इतना ही विश करूंगी, अभी तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं करते। अरे वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, ज़्यादा कुछ मत मांगो, अभी बस लाइट आ जाए कोई बहुत है घर में। और हमारे यहाँ तो वैसे भी है ना शाम को चली जाती है ढाई, मतलब दोपहर को 2:30 बजे चली जाती है और शाम को आती है वही 6:30 बजे, और फिर सुबह चली जाती है 6 बजे, फिर आती है 10-11 बजे। तो ये टाइम हमें अंधेरे में ही निकालना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। और आप लोग भी विश करना मेरा इन्वर्टर जल्दी से ठीक हो जाए।